अरे मैंगो शेक लिया है यार, इतनी देर हो गई, पसीना आ रहा है यार। माहिर भाई, हाँ क्या हाल चाल तुम्हारे? बढ़िया। अब भैया मदरसे के बच्चे बड़े शैतान होते हैं भाई, बड़े शरीर और बहुत ही तेज बच्चे होते हैं यार ये। क्या हुआ? अल्लाह बचाए इन लोगों से, इन बच्चों से। वो क्या गया? अबे यार बराबर में नया मदरसा खुला है, इतने तेज बच्चे हैं, छेड़ ले मेरे को यार। अबे मदरसे के बच्चे छोड़, तुम्हारे भतीजे उनके क्या हाल है? अरे यार दो ही बच्चे हैं यार, छोटा वाला तो जहनी है, बहुत अकलमंद है, तो सोच रहा हूँ उसको हम डॉक्टरी लाने की तरफ लेके जाएं। और बड़ा वाला जो है? बड़ा वाला, अरे भाई अल्लाह बचाए, बहुत शैतान है, बहुत बदतमीज है, बहुत ही शरीर है, उसको सोच रहा हूँ मैं मदरसे में डालूंगा। अभी तू खुद कह रहा था कि मदरसे के बच्चे शरारती होते हैं, चलाक होते हैं। अब ये चलाक शरारती कमबख्त बच्चे तुम जानबूझ के मदरसों में खुद ही तो डलवाते हो, और मदरसे वाले फिर इन्हें झेलते हैं, और मदरसे वाले इतनी मेहनतें करके इन्हें हाफिज आलिम बनाते हैं, और तुम्हें वो चलाक लग रहे हैं। बस शुक्र मनाओ ये मदरसों की वजह से तुम्हारे बच्चे आलिम बन रहे हैं, तुम्हारी नस्लों में दीन आ रहा है। बात ठीक है तेरी यार, मैं मेरी गलती है। गलती तो है, अगली बार मेरे सामने मदरसे के बच्चों की बुराई मत कर दियो भाई, क्योंकि मुझे पता है ना कि मदरसों के बच्चों की वजह से हमारे जनाजों की नमाजें हो रही हैं, वरना कोई जनाजे की नमाज भी पढ़ाने नहीं आए। बात ठीक है यार, मुझे एहसास भी है, और हमें हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, और ये गलती पे हूँ मैं। अच्छे बच्चे समझदार बच्चों को मदरसों में डालो, अच्छे बच्चे जो होते हैं समझदार जो होते हैं उन्हें डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और जो बच्चा दिखेगा ना शरारती है खेल में उसे डाल देंगे मदरसे में। अब तो वो शरारत नहीं करेगा मदरसे में, और क्या नेक नमाजे वो तकवे गुजार बनेगा मदरसे में, वो तो मदरसे वालों की मेहनत होती है, बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। बात जायज़ है। हाँ अरे एक शेख अब्दुल्ला के लिए लिया, ठीक है।